एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल स्टाइल विद पल्लवी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग अच्छे हैं। एंड ये देखिए डेजा है, बहुत परेशान कर रही है। तो अभी बस जस्ट मैं नहा के फ्रेश हुई हूँ, नाश्ता आया हुआ है, नाश्ता कर रहे हैं। एंड इसके बाद देखते हैं, आज था भक्तवान का फंक्शन, बट आपको पता है सिचुएशन क्या है, होगा कि नहीं होगा, बट जो भी होगा मैं पूरे डे का शूट करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। एंड देखते हैं, और कल का तो पूरा ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। गुन्नू का नाश्ता है, ये गुन्नू है, गुन्नू बदमाशी कर रही है, ये नहाने जा रही है। कहाँ जा रही है गुनू? छोटी बुढ़िया है आज, इधर उधर ही वो बोल रही है। एंड ठंड बहुत है, हम लोग जा रहे हैं गांव में एक लोगों के यहाँ, थोड़ा सा काम था। और ये देखिए कितनी हरियाली है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैरायटी के फूल हैं। और इधर भी एक फूल, मैं बैक कैम इधर भी एक फूल, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ ये सारी गार्डनिंग, तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा फूल है। फूल की कोई मतलब बहुत सारी वैरायटी है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा वो है, पेड़ है पता नहीं, बट लग बहुत सुंदर रहा है ये फूल जो भी है। एंड एक सीड ये है, और ये है गेंदे का, मैं दिखा रही हूँ यहाँ देखिए। ये सारा किसान थीमा में क्या है, ये सारा किसान थीमा में, ये देखिए गेंदा तो। और ये है वो गार्डन, ये देखिए। मैंने इससे पहले एक ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को ये वाले फूल दिखाए हुए थे। तोड़ ले तो ले जा, पेड़ में उखा ले जाए, तोड़ ले जा बाबा। ये मेरे बड़े बाबा हैं, और ये बुआ की लड़की, ऐसे ही दोनों लोग मतलब खड़े थे, तो मैंने शेयर कर दिया। बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, लेकिन देखिए आज शाम का फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा मैं उसका डालूंगी। ये मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की है, थोड़ी सी माइंड इसका हिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारा। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? हेलो, ब्लॉग करना रहता है बच्चे, जब मैं झाड़ू लगा लेके थी तब डाल दी थी ब्लॉग। इतनी अच्छी अच्छी रोटी बना रही हूँ, फोटो ले खींचे अच्छी अच्छी रोटी, ये डाला। जिसको खाना बनवाना हो बाबा से संपर्क करे। Yeah, hold on.
तो यहाँ पे शाम का खाना भत्तवान का बना था, कढ़ी थी, पनीर की सब्जी वेज मिक्स, और दाल और राइस था, और पूड़ी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सूट करके आप लोगों को दिखा दूँ कि शाम को क्या बना था। एंड बहुत सारे लोग खाने भी आए हुए थे, तो खाना वाना था सबका, वही सब हो रहा है सबके घर। जो लोग नहीं आ सकते थे उनके घर ये सारा खाना जा रहा है। तो ये था, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं रखा था, बहुत बड़ा रखने का मन तो था, बट आपको तो पता है डैडी के बारे में, किसी तरह शादी हो रही है इस सिचुएशन में, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मतलब कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये इनका मेहंदी का फंक्शन हो रहा था रात के टाइम, बस ऐसे ही हुआ बेचारे का, नॉर्मल एकदम, कुछ नहीं हो पाया, इतना हम लोगों ने सोच रखा था। तो
ऐसे ऐसे तो शादी हो रही है, बस अब भगवान से यही प्रे है कि आगे सब अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये है, एंड आप लोग ये वाला ब्लॉग वीडियो देखिएगा और बताइएगा। यहाँ बुआ मेरी पैसा निकाल रही थी, उसमें मैं डाल, बस यही मेहंदी का फंक्शन हो रहा था और कुछ भी हो, थोड़ा बहुत सिंपल सादा ऐसे ही सब हो रहा है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आ रहा हो। करना तो बहुत कुछ था बट सब कुछ रुक गया डैडी की तबीयत की वजह से, और आप समझ सकते हैं कि किसी के मतलब घर के लोग हॉस्पिटल में हो और लड़के की शादी हो तो उस पर क्या बीत रही होगी। मेरे डैडी